संभाल के प्रोफेसर साहब। पापा, उस वाले सिरे से चलते हैं ना, वहाँ ऑटो जल्दी मिलेगा। चलिए पापा। बेटा, घर में किसी को मत बताना इस बारे में। जी जी पापा। नहीं तो खाम खां सब परेशान हो जाएंगे। पंडित जी, प्रसाद लाइए। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, दुर्गे दुर्गे महादुर्गे दुर्गाय परमेश्वरी सर्वाणि। लिख। मेरे रहते तुम किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकते, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है देव, तुम इतनी आसानी से छूट जाओगे? नहीं देव, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। बर्बाद कर दूंगी सब, मैं खत्म कर दूंगी। दीदी, क्या हुआ देव, तुम्हारा चेहरा काहे बुझा हुआ है? नहीं तो दीदी, एकदम ठीक। पक्का? जी दीदी, क्या हुआ? अच्छा वो लिटिल मामा आए कि नहीं आए अभी तक? सब लोग आ चुके हैं, बस वही अभी तक नहीं आए। गोड़ा का पूरा के हो, गोड़ा का पूरा के निकला गे मिठैया। मुखा पूरा के निकला गे मिठैया, गोड़ा का पूरा के आए। काले जा रहा रे? मिठाई। कौन मिठाई है रे? चमचम। ओ हो, वाह चमचम हो तो गोरखपुर जैसा बनना ना हो, निकला गे मिठैया गोरखा। अरे लिटिल मामा, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी देव आपके बारे में पूछ रहा था। पाँव लगी दीदिया। जियो जागो, खुश रहो, दनदनाते रहो। ये टाइम है आने का? अब क्या कहती हो दीदिया, रुस्तमपुर में इतना जाम था, ऊपर से जो हमारा मित्र मंडली और रिश्तेदार लोग है ना, फोकट में खाली जहाजे सिंह ना उसको मिला है। लेकिन कोई बात नहीं, जब हम यहाँ आ गए हैं तो अब तो भगाओगी भी तो नहीं भागेंगे, अब तो सारा काम निपटा के ही जाएंगे। का फालतू बात कर रहे हो, अरे भगाएं तुम्हारे दुश्मन को, मजाक में भी ऐसी बात नहीं करते। अच्छा चलो कुछ खा पी लो, उसके बाद दुख सुख बतियाएंगे। बड़को, बड़को। जी आ रहे। भैया को चाय नाश्ता कराओ अच्छे से। अरे ये क्या, ऊंट के मुंह में जीरा? दे धजा देख के लाया करो। भैया को अच्छे से खिलाओ। एकदम खुशी रहो, तुम्हारा बाल बच्चा सब फहराते रहे एकदम से। अब तो हमारी खुशियों में बट्टा लगने वाला है, 5 किलो आटे की रोटियां खाए बिना कहां पेट भरता है इनका। ये लड़की भी ना एक दिन हमारी जान लेकर छोड़ेगी, देख रही हो ना इसका तमाशा। सबको लगता है कि हम बिना मतलब बोलते रहते हैं। ककन बन गया है और घर के बाहर घूम रही है, पता नहीं कहाँ उड़ रही है फुरगुद्दी की तरह। वो आ जाएगी। देखिए आ गई। कहाँ चली गई थी बिना बताए, कहे थे ना घर से नहीं निकलना, कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो। जाने दीजिए, बच्ची है, यही बगल में तो गई थी वो रेरू के यहाँ। हाँ हाँ सब समझ रहे हैं, और चढ़ाइए बेटी को सर पे। ससुराल से जब शिकायत आएगी ना तो हमसे मत कहिएगा। माँ आप पापा को मत डांटिए,
और भला ये क्या बात हुई? कक्कन पहन लीजिए तो कोई काम ही मत कीजिए। बस बस बातें मत बनाओ। दो दिन से कह रहे हैं लहंगा देख लो ठीक से आ रहा है कि नहीं, लेकिन फुर्सत मिले तब तो। जो हुक्म महारानी साहिबा, अभी जाके लहंगा ट्राई करते हैं। अब ठीक है, अब मुस्कुरा तो दीजिए। भाभी हाय मर जावा, काश हम लड़का होते तो आपको भगा ले चलते। भाभी अच्छा हुआ आप लड़का नहीं है, वरना पूरा मोहल्ला खाली हो जाता। जैसे हमारे ख्याल से फिटिंग तो सही है, अब तुम देख लो कहीं भीतर से कुछ चाप तो नहीं रहा ना। भाभी वो सब तो ठीक है, मगर ये लहंगा बहुत भारी है। कोई भारी वारी नहीं है, कितना अच्छा लहंगा है, बिल्कुल लहरदार और लाल टपका हुआ लहंगा है। दूल्हे राजा को देखते से ही करंट मार देगा। अभी आप भी ना देखिए ना माँ, कितनी प्यारी लग रही है हमारी सिया, बिल्कुल सिया सुकुमारी की तरह। भाभी अरे इसका दुल्हा भी तो राम जैसा है। हमारी राजकुमारी को किसी की नजर ना लगे। माँ भला हमें क्यों नजर लगेगी? ये सारा कमाल ना इस लहंगे का है, ये है इतना खूबसूरत। पापा क्या जरूरत है इतना महंगा लहंगा खरीदने की? नहीं बेटा कोई महंगा नहीं है, तुम्हारे लिए तो लाख रुपए का भी लहंगा लाते तो वो भी महंगा नहीं होता है कि नहीं? अभी पिता होने के नाते इतना भी नहीं किया तो फिर किस बात के माँ बाप। वैसे लग तो अच्छी रही है गुड़िया। मैं देख रहा था तुम्हारी नजरें इसी पे टिकी हुई थी, पर देखा महंगा है तो किनारे कर दिया। पर कितना करेंगे पापा, सारे पैसे तो आप हमारी शादी में ही खर्च रहे हैं। अब खर्च की चिंता तुम करोगे? कोई चिंता नहीं करना बेटा, सब ठीक है। सारा खर्चा कर सकते हैं, पीएचडी नहीं करा सकते? हाँ हाँ पीएचडी करेंगी, नामी खानदान मिला है, इतना अच्छा वर, इतना अच्छा घर, और हम इंतजार करें इनके पीएचडी खत्म होने का और यहाँ बैठे बैठे हमारा ब्लड प्रेशर ऊंचा करे। नहीं नहीं, ना तो आपको अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने की जरूरत है, ना ही इसे अपने पीएचडी रोकने की जरूरत है। बेटा तुम्हारे ससुराल वाले बड़े अच्छे हैं, तुम शादी के बाद भी पढ़ाई लिखाई जारी रख सकती हो, बल्कि कप्तान साहब तो पढ़ाई लिखाई के हिमायती हैं। वाह आज तो हमारी चूड़ियां बहुत सुंदर लग रही है, क्या बात है, जरा इधर देखना, जरा उधर, आज तो इसकी नाक भी नहीं टेढ़ी लग रही है। हाँ हाँ बोल लीजिए, हम तो आपसे बाद में निपटेंगे। अच्छा अच्छा निपट लेना। अरे पापा ये कह रहा था कि इसके नौलखिया सास के एजेंट आए, चलिए उनसे निपटते हैं पहले, आइए। चलो भाई चलो। अरे मुड़वा क्या कर रहा है तुम रे? फूल लगा रहा है कि तुम फूल बना रहा है ना? अरे बासी फूल से सजावट होता है रे, इतना प्रोफेसर साहब पैसा नहीं देंगे का? देखिए तो पहुना जी, ये लगता है जैसे न्योता पर आए हैं फूल लगाने के लिए। हम भी यही देख रहे हैं मामा जी, हमको भी यही लगता है कि यहाँ सारा काम जुगाड़ पानी से ही चल रहा है यहाँ। क्या व्यवस्था की है। प्रणाम 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 प्रणाम। पहुना जी हैं देव बाबू के मनन जी, इनको तो आप जानते ही होंगे। क्या है ना प्रोफेसर साहब कि पहुना जी में जो रस है ना वो जीजा जी में नहीं है। हम हैं जहाज सिंह उर्फ लिटिल मामा, वो हमारी दीदिया नौलखा देवी के हम दूर के रिश्ते के भाई हैं। और क्या है ना कि हमारी दीदिया नौलखा देवी के अपने कोई सगे भाई नहीं है ना, तो दीदिया सब कुछ हम ही को मानती है। सगुन लेके आए राइट प्रिंस।
आइए ना, बैठिए अंदर। चलिए चलिए। प्रोफेसर साहब, सब तैयारी ठीक से चल रहा है ना? बढ़िया बढ़िया। काहे की कोनो कमी होगा तो हमको बताइएगा, सारा व्यवस्था है। अरे काहे की, अब आप भी तो हमारे रिश्तेदार हैं। अरे नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारी तरफ से एकदम निश्चिंत रहिए। वो सब तो ठीक है, पर शादी ब्याह के घर में कब कौन घटना हो जाए कोनो भरोसा नहीं है भाई। अब हम बारात लेके आए तो पता चलता है कि पानी कहीं है और खाना कहीं, कुछ समझ नहीं आता। नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, हम आपकी बात नहीं कर रहे थे, हम जानते हैं आपकी एक ही बिटिया, कोई कंजूसी तो करिएगा नहीं, दिल खोल कर खर्चा करेंगे मामा जी। ठीक कह रहे पहुना जी, अरे हमको तो पता चला है कि 100 किलो दूध का छेने फरमा दिए। खाइए ना, गरम गरम कचौड़ी बनते खाइए।